Hi guys, this is Mona and welcome back to my another video. I hope you guys are doing well. So guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेवी मेकअप आर्टिस्ट इंस्पायर मेकअप लुक. तो चलिए लेट्स प्ले द वीडियो. सो गाइज, मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर, और ये है गुलाबरी का रोज़ वाटर. इसे मैं अच्छे से अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम. इसे भी मैं अच्छे से अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी. और हाँ गाइज, ये सीरम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इससे आपका फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और हाइड्रेट भी हो जाता है. तो आप एक बार इस सीरम को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ MN का आईब्रो पेंसिल. इसे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी जैसा फेवी मेकअप आर्टिस्ट ने इस लुक में किया है, उस तरह का मैं मास्क ड्रॉ कर लूँगी अपने फेस पे. और ये कुछ इस तरह का मैंने ड्रॉ कर लिया. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, और ये है लैक्मी का लिक्विड वाला फाउंडेशन. इसे मैं डॉट 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 करके जो मैंने मास्क ड्रॉ किया है ना, उसी के अंदर मैं सिर्फ अप्लाई करूँगी. उस साइड में कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी. जो भी मेकअप होगा या फिर जो भी मैं करूँगी वो इस साइड ही होगा. उसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. और आप जहाँ पे भी लाइन देख रहे हो ना मैंने ड्रॉ कहा, वहाँ वहाँ पे ब्लेंड करने के लिए मैं एक स्मॉल ब्रश यूज़ करूँगी, जिससे मैं उस लाइन के उस पार ना जा पाऊँ. उस लाइन के इधर ही मैं अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँ और मैं नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक फ्लैट ब्रश ले लिया है और उसके हेल्प से मैं अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी. क्योंकि हमें उस साइड मेकअप तो नहीं करना, जो भी मेकअप करना है वो हमें जो मैंने मास्क जो ड्रॉ किया है उसी के अंदर ही करना है. तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, और ये है NYBA का कंसीलर. तो मैं अपने अंडर माय आईज़, आईलिड पे, जहाँ जहाँ पे भी अप्लाई होता है, इवन मैंने क्या किया कि मैंने फुल फेस पे कंसीलर अप्लाई कर लिया. क्योंकि जो मेरा जो लैक्मी का जो वो जो फाउंडेशन था ना, उससे कवरेज मुझे उतना नहीं मिल पाया. तो इस वजह से मैंने कंसीलर को ही मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, ताकि मुझे थोड़ा सा कवरेज मिल जाए. तो इसे भी मैं सेम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद मैं इसे पूरे फेस पे मैं अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर, और लूज़ पाउडर के लिए मैंने यूज़ किया जॉनसन बेबी का लूज़ पाउडर. सो गाइस, इस पाउडर की हेल्प से मैं इसे बेक भी करूँगी और अपने पूरे फेस को सेट भी करूँगी. और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. तो आप बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलिएगा. इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा. तो यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से मैं इसे जो भी मैंने बेक किया था उसे मैं रिमूव कर लूँगी. नेक्स्ट यहाँ पे ना मैं कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ करूँगी. ये है मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर, और बाकी जो एरिया फेस का बच गया उससे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं सेट कर दूँगी अच्छे तरीके से. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो को फिल करने के लिए म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईब्रो किट. इसे मैं अच्छे से अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी. और हाँ गाइज, मैंने आईब्रो को काफ़ी अच्छे तरीके से फिल किया, क्योंकि एक साइड का तो आईब्रो फिल होगा नहीं, एक ही साइड का तो अच्छा सा लुक देगा. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट, और ये है मिस गोल्ड का आई शेडो पैलेट. उसमें जो ग्रीन शेड था ना उसे मैंने लिया और क्रीज लाइन पे मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया. आई डोंट नो वाई, बट कैमरा जो है वो पिक नहीं कर पा रहा है अच्छे से इस कलर को. नेक्स्ट मैंने वो डार्क ग्रीन शेड था, दोनों ग्रीन शेड को मैंने मिक्स करके पूरे लिड पे अप्लाई कर लिया. देन मैंने सेम कलर को अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लिया. अब मैं क्या करूँगी गाइज, जो उसमें जो ग्रीन कलर का जो सिमर शेड है ना उसे मैंने लिया और अपने पूरे लिड पे अप्लाई कर लिया, ताकि जो वो जो ग्रीन कलर जो है ना वो क्लियरली दिखे. कैमरा तो पिक कर ही नहीं रहा, बट इसने काफ़ी अच्छा आई लुक क्रिएट हो गया था. नेक्स्ट यहाँ पे एक सिल्वर कलर का है सिमरी वाला, उसे मैंने लिया और हाफ ऑफ लिड पे अप्लाई मैंने बस इनर कॉर्नर के साइड साइड पे ही बस मैंने अप्लाई किया है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, और ये है कलर गर्ल का आईलाइनर. इसे मैं आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी, और ज़्यादा विंग आईलाइनर नहीं क्रिएट करूँगी, मैं थोड़ा सा ही क्रिएट करूँगी.
सो गाइज यहाँ पे मैंने आईलाइनर क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आईलैश कर्लर, इसे मैं अच्छे से अपने आईलैश को कर्ल कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी, नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मस्कारा, और यह है मेबलिन का द हाइपर कर्ल मस्कारा। इसे मैं अच्छे से अपने अपर एंड लोअर लैश लाइन को मैं कोट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश, और ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट में का जो एक तरफ जो ब्लश है ना मिस गोल्ड का, उसमें जो वो सेट था उसे मैं एज बस मैं अप्लाई कर लूंगी। मैंने थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ हाइलाइटर, और ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। तो यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर में हाइलाइटर अप्लाई किया है। उसके बाद मैं यूज करूंगी ब्रा बोन पे मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। उस नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ब्रिज अप नोज पे हाइलाइटर, देन मैं चिन पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, क्यूपिड बो पे और चिन पे भी मैं अप्लाई कर लूँगी और चीक पे भी। उसके बाद मैंने जो वो जो आईब्रो पेंसिल था ना उसी से मैंने बाकी जो वो एरिया ऊपर का है उसे मैंने फिल कर लिया। इधर भी जो भी है उसे भी मैंने फिल कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या ही बोल रही हूँ। उसके बाद मैंने ब्लैक आई शेडो लिया, और वो जो मैंने एरिया जो फिल किया था ना उसी में मैं अच्छे से उसे भी फिल कर दूँगी ताकि वो डार्क ब्लैक दिखे इस वजह से। और मैंने अच्छे तरीके से मैंने इसे भी फिल कर लिया। अब मैं क्या करूँगी गाइस, नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक, और ये है एसक्यू का मिनी लिपस्टिक। उसमें 12 शेड आता है, तो उसमें का जो रेड शेड था ना उसे मैंने लिया एंड अप्लाई कर लिया, क्योंकि इस लुक में फैबी मेकअप आर्टिस्ट ने रेड लिपस्टिक ही अप्लाई किया है, तो मैंने अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी आई शेडो पैलेट में से वो जो ब्लैक शेड था ना उसे मैंने लिया, और जहाँ जहाँ पे भी मैंने लाइन ड्रो किया था ना वहाँ वहाँ पे मैं हल्का 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 आई शेडो लगा रही हूँ, ताकि एक ऐसा लगे कि हाँ एक शेडो क्रिएट कर रही हूँ इससे मैं, ताकि वो नेचुरली लगे, ऐसा नहीं लगे कि हाँ मेकअप का है। एक्चुअली तो ये मेकअप का है बट इससे मैं एक शेडो क्रिएट कर रही हूँ ताकि ये अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगी ब्राउन शेड को भी लूँगी, और वो जो मैंने ब्लैक आई शेडो लगाना उसके ऊपर ही हल्का 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 मैं ब्राउन आई शेडो भी लगाऊंगी। इससे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हो गया है। तो गाइज यहाँ पे हमारा लुक हो जाता है कम्प्लीट। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी सेटिन स्प्रे, और ये है स्विच ब्यूटी का सेटिन स्प्रे। मैं मेकअप को फिक्स कर दूँगी, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आईलेस फेक आईलेस। इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि इस लुक में उन्होंने अप्लाई किया है, इस वजह से मैं भी अप्लाई कर लूँगी। सो गाइस लास्ट में हमें रोना है खून का आंसू, और खून का आंसू रोने के लिए हम यूज़ करेंगे एडीएस का आईलाइनर पेंसिल, और इससे हम ड्रॉ करेंगे खून का आंसू, और यहाँ पर हमारा मेकअप लुक हो जाता है कम्प्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।